नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने उमरहा में बने स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किए। विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल महाराज की ओर से इस मंदिर का निर्माण कराया गया। संत सदाफल महाराज के विश्व के दर्जनों देशों में आश्रम है। वाराणसी का यह आश्रम सबसे बड़ा है। करीब 20 वर्षों से इस आश्रम के निर्माण की योजना पर काम किया जा रहा था। मकराना मार्बल से बने इस मंदिर की खासियत की चर्चा हर तरफ हो रही है। इसे स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना करार दिया जा रहा है। 7 मंजिला यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहा जा रहा है। इस मंदिर में 20,000 लोग एक साथ योग और ध्यान कर सकते हैं। यह मंदिर 64,000 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 180 फीट है। स्वरवेद मंदिर के निर्माण की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी। पिछले 19 वर्षों में इस मंदिर को आकार दिया गया। 200 एकड़ में यह मंदिर फैला हुआ है। इस मंदिर की दीवारों पर स्वरवेद के 4,000 दोहे अंकित हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर भगवान नहीं, योग साधना की पूजा होती है। मंदिर की दीवारों पर अद्भुत नक्काशी की गई है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मंदिर के पहले चरण का लोकार्पण किया। स्वरवेद महामंदिर के लोकार्पण के साथ ही संत सदाफल महाराज जी की 135 फीट ऊंची प्रतिमा का भी शिलान्यास किए। मंदिर के सभी तलों पर अंदर की दीवार पर लगभग 4,000 स्वरवेद के दोहे लिखे हैं। बाहरी दीवार पर 138 प्रसंग वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता आदि के प्रसंग पर चित्र बनाए गए हैं ताकि लोग उससे प्रेरणा ले सकें। दोस्तों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।